हेलो एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक पिकट रीडिंग एन हीलर ऑफ द एजेस सेवन सेवन टैरों पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है सो so, आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूं आप लोगों ने टॉपिक देख ही लिया होगा इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों की लाइफ में कौन आने वाला है सो so, बेसिकली ये एक लव रीडिंग है साथ में ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो so, इस रीडिंग की एनर्जीज में हम लोग चेक करेंगे कि आप लोगों की लाइफ में कौन आने वाला है ये जो भी पर्सन होंगे ये आपके पास से होंगे या कोई न्यू होंगे यू नो जो भी यहाँ पे एनर्जीज आएंगी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी साथ में ये जो पर्सन है कितना टाइम इनको आने में लगेगा इनके आने से आप लोगों की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे साथ में क्या गाइडेंस है सो गाइडेंस के बिना तो मेरी कोई भी रीडिंग नहीं रहती है यहाँ पे सो so, मेनली हम गाइडेंस देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या है आप लोग की लव लाइफ के लिए आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है गाइडेंस है ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं ठीक है सो so, दो ऑप्शनस आप लोगों के सामने हैं ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ट्रू लव एंड ऑप्शन सेकेंड के लिए है यहाँ पे सोलमेट ओके okay? सो so, आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है डीप ब्रीदिंग करनी है ईश्वर को याद करना है उसके बाद जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कर सकते हैं टाइम्स टाइम्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड एनगाइज याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है सो so, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एंड अगर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए क्रिस्टल्स के लिए तो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा ठीक है स्कैमर से सावधान रहें मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में नहीं शेयर करती हूँ इनफैक्ट यू नो अगर आप किसी से भी कनेक्ट करना चाहते हैं किसी और रीडर से भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो सबकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलती हैं बहुत सारे स्कैमर्स आजकल चल रहे हैं तो प्लीज़ यू you नो know, सावधान रहिए आप लोग अलर्ट रहिए यही मैं आपसे कहना चाहूँगी एंड फ़िलहाल मैंने कुछ स्लॉट्स टैरो रीडिंग के लिए ओपन करे हैं सो यू नो बहुत टाइम से जन्म कुंडली का एनालिसिस ही मैं कर रही थी वही प्रोवाइड में सर्विस कर रही थी लेकिन अभी कुछ स्लॉट्स यहाँ पे टैरो रीडिंग के लिए ओपन है बहुत ही कम है सो so अगर आप लोग टैरो रीडिंग करवाना चाहते हो तो डेफ़िनेटली आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो ठीक है सो so अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं ओके हेलो ऑप्शन सो अगर आप लोगों ने ट्रू लक का कार्ड चूज़ किया है सो so देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन आने वाला है एंड ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है साथ में मेल एंड फीमेल दोनों इस रीडिंग को देख सकते हैं एंड अभी मैं आप लोगों के लिए यू नो जस्ट मेडिटेट ही कर रही थी तो मुझे एक गाइडेंस ये मिली कि मैं आप लोगों को ये गाइड करूँ कि आप अपनी लाइफ में प्यार को अट्रैक्ट ज़्यादा किस तरीके से कर सकते हो क्या आपने करना है किस चीज़ को आपको हील करना है किन इश्यूज़ को आपको हील करना है जिससे कि प्यार आप लोगों की लाइफ में बना रहे सो भाई देखते हैं यहाँ पे एंजल्स क्या गाइड करेंगे आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस वो देंगे तो ये कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं लेकिन एक चीज़ जो मुझे आप लोगों के लिए फ़ील हो रही है वो ये कि प्यार आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है मतलब आप लोग ऐसे लोग हो जो प्यार के बिना नहीं रह सकते हो बहुत ज़्यादा इमोशनल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एंड हमेशा यू नो सबसे प्यार करने वाले जैसे पूरी दुनिया से आपको प्यार है इस नेचर की हर एक चीज़ से आपको प्यार है यू you नो know, पेड़ पौधे हो गए नदियां हो गई माउंटेंस हो गए लोग हो गए बच्चे हो गए एनिमल्स हो गए बर्ड्स यू you नो know, सबसे आपके सबके लिए आपके मन में एक सिंपैथी है एक दया है किसी की भी दुख तकलीफ आप लोग नहीं देख सकते यू नो इनफैक्ट अगर जैसे मदर नेचर को भी हर्ट होता है कहीं पे आप पोल्यूशन देख रहे हो कहीं पे आप बहुत ज़्यादा कचरा देख रहे हो आपको दुखती होंगी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा साफ दिल है आप लोगों का ऑप्शन फ़र्स्ट यू नो मुझे बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जीज आप लोगों की फ़ील हो रही हैं देखते हैं कि भाई क्या यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज आने वाला है ओके सो ऑप्शन फर्स्ट प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट सो यहाँ पे भाई ये भी देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में प्यार को ज़्यादा अट्रैक्ट कैसे कर सकते हो क्योंकि ये मुझे गाइडेंस मिली है ठीक है तो अभी देखते हैं फिर ऑप्शन फर्स्ट नाइट ऑफ़ ऑफ़ फाइव ये सारे ही कार्ड्स पता है क्या इंडिकेट कर रहे हैं ऑलरेडी एक हर्ट ब्रेक से गुजर चुके हो आप लोग काफी ज्यादा दिल टूटा है दिल दुखा है कोई रिलेशनशिप जैसे ख़त्म हो गई किसी से बहुत प्यार किया था वो रिलेशनशिप जैसे ख़त्म हो गई कुछ लोग अगर मैरिड हैं वो इस रीडिंग को देख रहे हैं तो हो सकता है बिल्कुल जैसे या तो डाइवोर्स पे बात आ ही गई हो या कुछ लोगों का यहाँ पे हो चुका हो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हो टॉक्सिक सिचुएशन रही हो काफ़ी ज़्यादा पेन आपने झेला हो काफ़ी सारी लड़ाइयाँ आप लोगों ने फेस करी हूँ लेकिन स्टिल आप उस इंसान से बहुत प्यार करते थे यू नो जिसके साथ भी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए वर्क नहीं करी आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं करा मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग उससे बहुत प्यार करते थे और जब वो रिलेशनशिप जैसे ओवर हुआ आपको ऐसा लगा कि जैसे आपका अपना कोई हिस्सा सा यू नो आपके दिल से जैसे कोई किसी ने आपका दिल ही जैसे निकाल लिया हो यू नो वो दिल ही नहीं बचा हो बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन वाली सिचुएशन मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ यू you नो know, आपको ऐसा लगा जैसे शायद सब कुछ ख़त्म हो गया अभी लाइफ में अभी कोई खुशियाँ नहीं है कोई खुश होने के लिए कोई वजह नहीं बची है इस तरीके की चीज़ें मैं आप लोग ले देख रही हूँ हो सकता है कि यू you नो know, जो रिलेशनशिप ओवर हुआ वो तो हुआ ही लेकिन आपको साथ में यू you नो know, um, यू नो हार्ट ब्रेक के बाद जैसे बहुत सारे लोगों ने आपको गलत ठहराया हो तुम्हारी ही गलती थी तुम्हारी वजह से हुआ तुमने ही बात नहीं मानी थी तो वो चीज़ भी आपको एक्सटर्नल हर्ट करती है एक तो, तो जो दुख है वो तो है ही है लेकिन अदर जैसे आपके अपने लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया उसका भी एक अलग आपको दुख है कि ये भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं मेरी सिचुएशन को मेरी प्रॉब्लम को तो ये चीज़ मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ बहुत ज़्यादा पेन है यहाँ पे एंड बहुत सारी प्रेयर्स भी यहाँ पे आप लोग कर रहे हो भगवान जी से आप लोग प्रे कर रहे हो शायद इसीलिए मुझे गाइडेंस मिली थी आप लोगों की लेकिन मैं ये भी बताऊँ कि प्यार कैसे अट्रैक्ट करना है आपको क्या करना है देखते हैं भाई सारे कार्ड ही देखते हैं कौन आने वाला है भाई इन लोगों की लाइफ में ऑप्शन फर्स्ट की लाइफ में ठीक है ऑप्शन फर्स्ट wands, ऑफ फॉन्स justice, जस्टिस of ऑफ ace ऑफ कप्स ठीक है भाई ठीक है मैं कुछ कार्ड्स और निकालती हूँ फिर आपको बताती हूँ डिपेंडेंसी यही इशू है यही इशू है hmm. ठीक है सो ऑप्शन फर्स्ट पहले मैं बताती हूँ कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है फिर आपको गाइड करेंगे ठीक है सो so, यहाँ पे आपकी लाइफ में मैं किसी न्यू इंसान को ही देख रही हूँ आते हुए कोई न्यू पर्सन ही मैं देख रही हूँ यू नो पास्ट से तो मैं आपको कम्प्लीटली मूव ऑन करते हुए देख रही हूँ ठीक है जो पास्ट की यहाँ पे चीज़ें थी मैं ऐसे देख रही हूँ ये जो भी रिलेशनशिप था ये कामिक रिलेशनशिप था यहाँ से आप मूव ऑन कर लें यहाँ से आप आगे बढ़ जाएँ तो यही आपके लिए अच्छा रहेगा थोड़ा कैमरे को ऐसा करते हैं तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि इस रिलेशनशिप में यू you नो know, आप दो लोगों के साथ ना बहुत सारी चीज़ें खराब हैं और इन सारी चीज़ों को सही करना बड़ा ही मुश्किल है यू you नो know, आप नहीं समझा सकते इस इंसान को आप सोच रहे होंगे कि आप बदल दोगे या इंसान बदल जाएगा तो आप नहीं बदल पाओगे क्योंकि कोई इंसान तभी बदल सकता है जब वो खुद बदलना चाहे ना कि जब हम उसे बदलना चाहें ठीक है तो भाई पास से तो यहाँ पे आप लोगों से यही कहा जा रहा है कि आप मूव ऑन करें आप आगे बढ़ें कोई न्यू पर्सन को मैं आप लोगों के लाइफ में आते हुए देख रही हूं और ये इंसान भी तब आपके लाइफ में आएंगे जब यू you नो know, एक ऐसी स्टेट जहां पे आप बस बैठे नहीं हुए कि कोई आए और मुझे प्यार करे कोई आए और मुझे प्यार करे या जब आप अपने आप को खुद यू नो खुद प्यार करोगे जब आप खुद से प्यार करना शुरू करोगे जब आप खुद को खुश रखना शुरू करोगे जब आप अपना ख्याल रखना शुरू करोगे जब आप अपने दिल को प्यार से भरोगे इस एस ऑफ कप्स की एनर्जी से भरोगे ये इंसान तब आपकी लाइफ में आएगा यू नो जब आप अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हो मैं यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि प्यार आपको मिलेगा ठीक है अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि प्यार नहीं मिलेगा या कोई इंसान आएगा या नहीं आएगा डेफिनेटली भाई आपके लिए कोई ना कोई इंसान बना हुआ है ईश्वर ने आपके लिए किसी ना किसी को सोच रखा है वो ट्रू लव जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा क्योंकि आप इसके हकदार हो क्योंकि आपके दिल में बहुत प्यार है यहाँ पे आपको पता है ट्रू लव से मिलने से क्या रोक रहा है क्या रोक रहा है क्योंकि आपका दिल खाली है आपका दिल खाली और आप चाहते हो कि कोई इंसान आए और वो आपसे प्यार करे लेकिन प्यार जो है ना वो देने की चीज है एक तरीके से मैं बताऊं तो तो जब आप उस काबिल हो जाओगे कि अभी आप प्यार दे सकते हो आपके पास प्यार है ठीक है तो तब वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा यू you नो know, अगर आप इस सिचुएशन में किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाओगे ना तो आप हमेशा डिमांडिंग रहोगे आपकी एक्सपेक्टेशन उस इंसान से बहुत ज़्यादा रहेंगी और आपकी जब एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है तो वो दूसरे इंसान के ऊपर एक तरीके से बोझ सी बन जाती है और यू you नो know, हम सबकॉन्शियसली बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं सबकी एनर्जीज आपस में एक दूसरे को समझ में आ रही होती हैं तो यहाँ पे आप लोग अगर अपनी लाइफ में प्यार को पाना चाहते हो तो गाइडेंस ये है अपने ऊपर काम करो यू you नो know, यहाँ पे कहा जा रहा है पास से मूव ऑन करो पास से हील करो और सही इंसान के आने का वेट करो यहाँ पे ये कार्ड्स पता है क्या कह रहे हैं कि आप बहुत जल्दी शायद मेल्ट हो जाते हो बहुत जल्दी आप पिघल जाते हो तो पता है आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि अगर आप आपका दिल ना बहुत कीमती है आपके इमोशंस ना बहुत 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 ज़्यादा कीमती है पैसे से भी किसी कीमती चीज़ से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा कीमती हैं तो अगर आप किसी को अपना दिल दे रहे हो तो वो इंसान सही हो ये आपको पहले मेक मेकशअप sure करना है बिकॉज आज के टाइम पर फ्लर्ट बहुत ज़्यादा चलता है यू you नो know, लोग कैजुअल रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा रखते हैं लोग सीरियस यू you नो know, आप ऐसे हो कि आप रिलेशनशिप में जाते ही सीरियस हो जाओगे है ना जो आपकी एनर्जीज़ हैं वही बता रही हूँ तो पहले आपको मेक श्योर sure करना है भाई आपको ये आपको थोड़ा सा यू नो दिल के साथ आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि जो पर्सन जैसा वो आपको शो कर रहा है वो एक्चुअल में वैसा है कि नहीं है अभी की भी मैं बात करूं आप लोगों की लाइफ में तो आपके पास शायद प्रपोज़ल्स आ रहे होंगे या लोग आप में इंटरेस्ट ले रहे होंगे तो आप लिटिल बिट कन्फ्यूज़ भी होंगे कि क्या मैं उस इंसान की तरफ चला जाऊँ मैं कहूँगी अभी नहीं जाऊँ ठीक है अभी आपने यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है खुद को यू you नो know, ये रोना धोने से यहाँ पे बाहर निकलना है खुद को हील करना है फिर आपने यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट रिलेशनशिप में जाना है उसके भी पहले यहाँ पे ये यह कहा जा रहा है कि अभी आपकी जो प्रायोरिटी है वो आपका करियर है अपने करियर के ऊपर फोकसड रहें अपने करियर के ऊपर यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग काम करें साथ में यहाँ पे जो को डिपेंडेंसी का इशू है ना कि आप डिपेंडेंट हो जाते हो फीलिंग्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए तो वो अभी अपना फैक्टर निकालना है आपको ठीक है और इंडिपेंडेंट बनना है आपने अपना ख्याल खुद रखना है अपने आप को खुश खुद रखना है तब आप अपनी लाइफ में ट्रूल को अट्रैक्ट करोगे अदरवाइज से अगर इसी एनर्जी में आप किसी के साथ रिलेशनशिप में गए तो ये साइकिल रिपीट भी हो सकती है फिर नहीं कहना कि बार बारी क्यों प्रॉब्लम uh, होती है बार बार क्यों एक जैसा होता है लोग छोड़ देते हैं यू you नो know? ये वाला क्वेश्चन आई थिंक हर डेली मेरे पास आता है कि मेरे साथ बार बार ही धोखा होता है मेरे को बार बार ही चीट मिल जाता है आप बताइए मैं क्या करूँ आप बताइए मैं क्या करूँ और ये एक रीज़न था कि मैं लव रीडिंग लेके आई वैसे मैं लव रीडिंग्स ज़्यादा नहीं करती हूँ लेकिन फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था मुझे प्यार में तीन बार चार बार धोखा मिल चुका है लेकिन मुझे स्टिल प्यार पर बिलीव है यू you नो know, ये इस तरीके के मैसेजेस मेरे पास जी आ रहे हैं और मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है सच में कि मैं हर किसी को इंडिविजुअली बताऊं कभी कभी मैं बता भी देती हूँ अगर मेरे पास टाइम होता है तो क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं डियर एंड बहुत सारा काम होता है मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबकी हेल्प करूँ सो एंजल ऑफ बैलेंस ऑफकोर्स बैलेंस के बिना क्या है भाई क्या है बैलेंस के बिना यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आना चाहते हैं मैन होल्डिंग ए कॉइन विक्ट्री एंड एनजाइटी सी ऑप्शन फर्स्ट जो मैंने आपको चीजें अभी बोली हैं वही यहाँ पे है यू you नो know, आपको अपने इमोशंस पे भाई थोड़ी सी जीत पानी होगी मैंने कहा ना आप बहुत जल्दी पिघल जाते हो आप बहुत जल्दी अगर मैं बोलूँ तो बातों में भी आ जाते हो लोग यू you नो know, आपका एडवांटेज ले, ले लेते होंगे सम टाइम एंड बाद में आपको ना अपने ऊपर गुस्सा आता होगा अपने ऊपर आपको ऐसा लगता होगा मैंने क्यों बात उसकी मान ली मैं क्यों बार बार ही ऐसे हो जाता हूँ तो अपनी फीलिंग्स को भी थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई स्ट्रांग बनाइए इतनी जल्दी भी किसी की बातों में आने का बहने का यू you नो know, मतलब नहीं बनता है यहाँ पे कहा जा रहा है एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है तो ये कार्ड कह रहा है कि भाई अपने आप को इमोशनली बैलेंस करो क्योंकि आप इमोशनली स्टेबल नहीं होना और लोग इस चीज को समझ जाते हैं और फिर वो मैं बार बार ही रिपीट नहीं करना चाहती ठीक है अभी अपने ऊपर गुस्सा करने का काम नहीं है इंसान गलतियों से ही सीखता है ओके सो आपसे भी हो गई गलती डोंट वरी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी भी वक्त है यू you नो know, देर आए दुरुस्त आए अभी यहाँ पे खुद को हील करो तो बेसिक स्टेप्स आपने क्या करने हैं सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले अभी देखो इस रीडिंग में सेल्फ लव के बारे में बताने जाऊँगी तो पूरी रीडिंग ओवर हो जाएगी लेकिन मैं आपको रिसर्च करने के लिए टॉपिक्स दे रही हूँ सेल्फ़ लव के ऊपर रिसर्च करो आपको वो बुक्स भी मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे भी बहुत कुछ मिल जाएगा आपको ढूंढना पड़ता है सेल्फ लव के ऊपर यहाँ पे ढूंढो दूसरा हीलिंग के ऊपर यहाँ पे ढूंढो ठीक है कि आप खुद को कैसे हील कर सकते हो इमोशनली इस चीज़ के बारे में आपको ढूंढना है बेसिक तो देखो मेडिटेशन करो साथ में अगर मैं बोलूं तो जैसे ये रोज क्वार्ट्स का स्टोन है ना ये सी ये वाला स्टोन है आप चाहें तो रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट पहने चाहे आप इस तरीके से रोज क्वार्ट्स का स्टोन लें और जस्ट इससे खुद को हील करें यू नो इसके साथ आप एफ़र्मेशंस दें कि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ मेरी लाइफ में प्यार ही प्यार है मैं प्यार से भरी हुई हूँ मेरे यू you नो know, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं एंड वो जो प्यार है ना वो आप पर्टिकुलरली वो रिलेशनशिप वाले प्यार से उसको जॉइंट करके नहीं रखें आप अपने रिश्तों में प्यार को ढूंढें आपके दोस्ती में आप प्यार को ढूंढें अपने पेरेंट्स के साथ यू you नो know, आप अपने कनेक्शन को अच्छा करें अपने सिबलिंग्स के साथ आप अपने कनेक्शन को अच्छा करें हर किसी को जब आप प्यार देंगे तो आप यूनिवर्स को ये मैसेज देंगे कि अब भी आप प्यार को रिसीव करने के लिए रेडी हो ठीक है वो ट्रू लव को मैं ऐसी बात नहीं कर रही जो नॉर्मल आप ट्रू लव को रिसीव करने के लिए रेडी रह रह हो और फिर वो प्यार आपके लाइफ में आएगा लिटिल बिट यहाँ पे एनजाइटी इशूज आप लोगों को रहेंगे थोड़े टाइम तक रहेंगे देखो इतनी जल्दी चीजें यू नो हील um, नहीं होती हैं थोड़ा सा वक्त लगेगा थोड़ा सा टाइम लगेगा बट यू कैन डू इट आप खुद को हील कर लोगे मुझे आपके ऊपर विश्वास है क्योंकि ये कार्ड्स बता रहे हैं ठीक है ना ऑप्शन फर्स्ट तो भाई अपना ख्याल रखना है अभी से ही खुद को ये बोलना है कि अभी बस और नहीं अभी ये साइकिल दोबारा रिपीट नहीं होगी और यू you नो know, बस अपने कैरियर के ऊपर ध्यान दो ये कार्ड यही कह रहा है मैन होल्डिंग ए कॉइन का कार्ड कि इस टाइम पे आपको अगर यू नो फोकस रखना है जैसे मैंने बोला सेल्फ़ लव के ऊपर हीलिंग के ऊपर मेडिटेशन के ऊपर और नेक्स्ट आपके करियर के ऊपर मेनली क्योंकि आपका फाइनेंशियली स्ट्रांग होना आपके सपनों का पूरा होना बहुत जरूरी है ठीक है तो फिलहाल आपका सारा फोकस जो है वो यही होना चाहिए ठीक है यहां से मैं देख लेती हूं लास्ट की एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं? ऑप्शन फर्स्ट लेट गो परफेक्ट टाइमिंग यस यस नो नीड टू वरी नो नीड टू वरी भाई आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है एंजल्स आपके साथ हैं आपके लाइफ में ट्रू लव को यू you नो know, आपकी लाइफ में ट्रू लव है भाई आप लोग ये डाउट करते हो कि प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा या ऐसे लोग मिलेंगे तो प्यार मिलेगा भाई लेकिन यहाँ परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है वो ये कार्ड ये कह रहा है कि जब सही समय होगा जब डिवाइन टाइमिंग आएगी जब आप खुद को हील कर लोगे जब आप खुशी यू नो सीधी फेस ये यहाँ पे फेस को मैं फोकस करती हूँ वेट आप यहाँ पे फेस को देखें यू नो जैसे ये लेडी अपने आप में ही बहुत खुश है इस इसको ट्रस्ट है तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आपको खुद के ऊपर विश्वास है जब आप खुद से प्यार करते हो ठीक है तब ये प्यार आपकी लाइफ में आएगा अभी क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं आपको ऐसे नहीं बोल सकती कि इतना टाइम लगेगा इतना टाइम लगेगा लेकिन कुछ लोग मुझे यहाँ पे फोर टू सिक्स मंथ्स नजर आ रहे हैं ओके okay? यानी यहाँ पे लेट गो का कार्ड है भाई लेट गो आपने करना ही करना है क्योंकि जब तक आप लेट को नहीं करोगे ना तब तक आप स्टक रहोगे और यहीं जलते रहोगे यहीं घुटते रहोगे कोई इंसान आएगा भी आपकी लाइफ में वो टेम्परेरी ही रहेगा ठीक है सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो एंड अपना फीडबैक मेरे से जरूर शेयर करिएगा अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना चलो हेलो ऑप्शन टू सो अगर आप लोगों ने सोलमेट का कार्ड चूज़ किया है सो देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन आने वाला है जो भी पर्सन है पास से होंगे या कोई न्यू होंगे साथ में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है एडवाइस है एंड ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है कभी भी आप लोग देखोगे तो ये रीडिंग आपके लिए है एंड साथ में मेल फीमेल दोनों इस रीडिंग को देख सकते हैं एंड ऑप्शन फर्स्ट के लिए मुझे मैसेज मिला था कि मैं उन लोगों के लिए देखूँ कि वो अपनी लाइफ में प्यार को किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं वो लव मैग्नेट किस तरीके से बन सकते हैं तो मैं आप लोग के लिए भी ज़रूर से वो मैसेजेस देखूंगी कि क्या गाइडेंस आप लोग के लिए आती है क्या मैसेजेस आते हैं लेकिन इस कार्ड के साथ मुझे आप लोग के लिए जो फील हो रहा है वो ये कि काफ़ी टाइम से हो सकता है कि आप लोग सिंगल हों और You know, पहले आपका कोई रिलेशनशिप रहा हो कुछ समय पहले और शायद चीजें वर्क नहीं करी आप लोग डिस्टेंस पे हो गए हो अलग हो गए हो फिर जैसे आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हो गए टाइम ही नहीं रहा शायद आप लोगों के पास एंड अभी मुझे यहाँ पे जो नजर आ रहा है कि मैरिज परस्पेक्टिव से आप लोग किसी पर्सन को चाहते हो आप लोग यू नो ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशनशिप या फिर इमिच्योर काइंड ऑफ कोई पर्सन को आप यू you नो know, नहीं चाहते हो आप लोग बस अभी ढूंढ रहे हो कि आपको कोई आपके मन मुताबिक कोई पर्सन मिल जाए <laughs> ये चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है ढूंढ रहे हो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो अट्रैक्ट करना चाहते हो तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए दिख रही हैं ठीक है थीके? तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स वही देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है ऑप्शन टू The Amples, very nice option 2 knight of wands नाइट mm ऑफ -hmm. the devil, ठीक है okay. So ये कार्ड मुझे यहाँ पे भाई ये बता रहे हैं कि options तो हैं आप लोगों के पास शायद हो सकता है कुछ प्रपोजल्स भी हों लेकिन आप जल्दीबाजी में कोई भी यू you नो know, कदम नहीं बढ़ाना चाहते आप जल्दीबाजी में कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहते बिकॉज पास्ट में आपने काफ़ी सारी चीज़ें फेस करी हैं आप आपके आस पास देख रहे होंगे कि यू नो हार्ट ब्रेक हो रहे हैं चीट हो रहा है तो वो सारी चीज़ आप बिल्कुल भी मतलब ऐसा है कि नहीं चाहते मतलब आपको ऐसा है कि कोई पर्सन आए तो हमेशा के लिए आए आपके साथ रहे शादी यू you नो know, शादी मटेरियल हो शादी परसपेक्टिव से हो कमिटमेंट हो एंड जितने आप यू you नो know, सच्चे हो उतना ही वो हो यू you नो know, आप अपनी लाइफ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ऑप्शन टू काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हो यू you नो know, आपका दिल बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी यू you नो know, आप अपने दिमाग को भी साथ में रखते हो कोई भी डिसीजन ऐसे ही नहीं ले, ले लेते कोई भी डिसीज़न जल्दी में नहीं ले लेते और यू you नो know, कुछ तो आपको इनसिक्योरिटीज़ हैं आई डोंट नो कुछ आपने ऐसा देखा है कुछ आपने ऐसा या खुद के साथ आपके साथ हुआ है या कुछ और लोगों का देखा तो कुछ डर है यू you नो know, जैसे शादी को लेके डर है रिलेशनशिप्स को लेके डर है आप लोग रिलेशनशिप तो चाहते हो लेकिन आपको पहले से ही है कि मुझे अलग नहीं होना है कुछ इस तरह की चीज़ें मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ ऑप्शन टू तो यहाँ पे चलो मैं सारे ही कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ इस थिंकिंग से तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा ये इनसिक्योरिटी से तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि अनोईंगली ना आप कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हो ठीक है मैं बताती हूँ अभी चलो इसे मैं रख लेती हूं फोर ऑफ सॉट्स सिक्स ऑफ फोन्स सिक्स ऑफ कप्स हम्म एंड टेन ऑफ सॉट्स देखो कुछ लोग ये जो पर्सन है इनके पास से है और कुछ लोग ये जो पर्सन है ये कोई न्यू पर्सन है ठीक है मुझे दोनों ही तरीके की एनर्जीज यहाँ पे मिल रही हैं एंड uh, मैं सारे कार्ड्स निकाल ही लूँ कुछ और भी फिर बताती हूँ

देखो कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पे पास्ट से भी नज़र आ रहा है लेकिन काफ़ी कम लोग होंगे क्योंकि अगर पास्ट में कोई आ रहा है तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रही होंगी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने गलतियां करी होंगी तो कुछ इंसान तो भाई माफ़ कर पाएंगे और एक्सेप्ट कर पाएंगे लेकिन कुछ लोग जस्ट रहेंगे कि नहीं हम मतलब ये पर्सन वापस तो आएंगे आपकी लाइफ में जो भी पास्ट में रहे हैं माफ़ी भी मांगेंगे आपसे एंड वापस से आपकी लाइफ में भी आना चाहेंगे लेकिन कुछ लोग यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे काफ़ी कम लोग करेंगे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन बदल नहीं सकते ये चेंज नहीं हो सकते ये अभी माफी मांग रहे हैं ये फिर से वही गलतियां करेंगे तो कुछ लोग तो एक्सेप्ट करेंगे बाकी के कुछ लोग जो हैं, वो मूव ऑन करेंगे मना कर देंगे मुंह पे और अपनी लाइफ में किसी न्यू लव को अट्रैक्ट करना चाहेंगे ये चीजें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नजर आ रही हैं एंड uh, <coughs> कोई न्यू पर्सन ज्यादातर मुझे लोगों के लिए यहाँ पे नजर आ रहे हैं अभी बात करूं कि आप अपनी लाइफ में लव को मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हो ये पर्सन कौन होंगे भाई देखो ये जो पर्सन है आपके करियर से रिलेटेड आप अपने ऑफिस में या यू नो कैरियर के थ्रू आप इनसे मिल सकते हो आई डोंट नो अपने प्रोफेशन के थ्रू आप इनसे मिल सकते हो एंड आप कहीं घूमने जा रहे हो वहाँ पे आप इनसे ट्रैवलिंग के वक्त आप इनसे मिल सकते हो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ लेकिन आप ना अपनी लाइफ में प्यार को चाहते भी हो लेकिन आपने अपने दिल के दरवाजे जो हैं वो बंद भी कर रखे हैं क्योंकि मैंने कहा ना इनसिक्योरिटीज़ बहुत हैं आपके मन में और इन इनसिक्योरिटीज़ को आपको निकालना पड़ेगा इस डर को आपको निकालना पड़ेगा आपको ये समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें आपने फेस करी हैं या कुछ लोग यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स के रिलेशनशिप खराब रहे हो या घर में कोई बड़े यू you नो know, आपके भाई बहन का रिलेशनशिप खराब रहा हो तो वो सारे जो डर हैं ना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिक्स हो गए ठीक है ये रीज़न है कि पास्ट में आपने टॉक्सिक पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया क्योंकि आप ऐसे ही समझते हो तो अभी अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि जो प्यार है वो फ्लरिश करे आपका रिश्ता जो है वो फ्लरिश करे तो आपने अपने जो वो पैटर्न्स हैं जो सबकॉन्शियस माइंड के जो ब्लॉक्स हैं उनको निकालना पड़ेगा आपको खुद को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि जो प्यार है वो बहुत खूबसूरत चीज़ है और जो दूसरों के साथ हुआ वो आपके साथ नहीं होगा बिल्कुल भी अब ये नहीं कहना ये एफॉर्मेशन में नहीं कहना आपको ये कहना है कि आप प्यार डिज़र्व करते हो आपकी लाइफ में ट्रू यू नो लव है और आप प्यार से भरे हुए हों आपकी लाइफ खुशियों से भरी हुई है आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो आपके जो भी पर्सन हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं आपको समझते हैं आपकी केयर करते हैं यू नो जो भी आप क्वालिटीज़ अपने पर्सन में देखना चाहते हो आपने वो क्वालिटीज़ लिखनी हैं और इसके बाद आपको उसी तरीके से अपने लिए एफॉमेशन्स जो है वो तैयार करनी है ठीक है अभी यहाँ पे ना आपने कुछ ब्लॉग्स हैं डियर यहाँ पे कुछ ब्लॉग्स हैं ऑप्शन टू क्योंकि प्यार जैसे आपके लिए तैयार है आपकी लाइफ में आने के लिए लेकिन आपके ही कुछ ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे जिसकी की, -की वजह से वो नहीं आ पा रहा है है ना आप लोग शायद रीडिंग भी देखते होंगे तो आपको आ, ऐसे सुनने में आता होगा इस महीने आपको प्यार मिल जाएगा और इस साल मिल जाएगा लेकिन आप लोग कहते होंगे कभी तो नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो वो चीज यहाँ पे मुझे नजर आ रही है हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्पेशली आपकी लव लाइफ हीलिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पास्ट में जो चीज़ें हुई उनको भूलने की फॉरगिव करने की आगे बढ़ने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड आप लोग चाहें तो किसी ट्रेनर की हेल्प ले सकते हैं किसी लाइफ कोच की हेल्प ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मैंट ज़रूरी है यहाँ पर पहला ही कार्ड है <coughs> मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है आपकी रीडिंग करते वक्त हालाँकि एकदम ठीक हूँ मैं लेकिन आपकी रीडिंग करते वक्त हो रहा है थोड़ा सा ब्लॉक तो काफ़ी सारे भाई जख्म मुझे नज़र आ रहे हैं और ये जो भी जख्म हैं इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्म से भी हैं हम्म ये चीज़ें यहाँ पे हैं सो so, यहाँ पे आपको किसी की हेल्प भाई लेनी पड़ेगी ठीक है अगर आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं तो उनकी हेल्प लीजिए बेसिकली हील करना है आप लोगों को मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ ओके सो यहाँ पे जैसे मैं कह रही हूँ कि आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी डियर अपनी हीलिंग के लिए क्योंकि अगर आप खुद कर सकते होते तो मैं बता देती आपको लेकिन यहाँ पे किसी की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी एंड अगर आप मेरी अगर आप मेरे बारे में सोच रहे हैं तो मैं रीडिंग्स करती हूँ मैं हीलिंग नहीं करती हूँ मैं अभी नहीं सिखाती हूँ तो आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा यूनिवर्स के सामने आपको ये विश रखनी पड़ेगी कि भाई हम अपने आप को हील करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ को हील करना चाहते हैं जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप किसी ऐसे इंसान को हमारी लाइफ में भेजें जो हमारी मदद कर सके या फिर आप हमें रास्ता दिखाएं आपको ये यू you नो know, ये कहना पड़ेगा ये कहना पड़ेगा पूरी फीलिंग के साथ पूरे इमोशन के साथ पूरा यू नो वो स्ट्रेंथ देके के आपको ये कहना पड़ेगा बार बारी बार बारी बार बारी भगवान जी से और फिर आप देखोगे कि कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है कि अभी रिलेशनशिप में ना नेगेटिव साइड्स को देखना छोड़ दें यू you नो know, जैसे आजकल शॉर्ट्स पे दिखाया जा रहा है रील्स पे दिखाया जा रहा है प्यार ऐसा होता है लोग ऐसे होते हैं लड़के ऐसे होते हैं लड़के ऐसे होते हैं इन सारी चीज़ों को देखना बंद कर दो बिल्कुल ही बंद कर दो और ट्रू लव को देखो जैसे राधा कृष्ण का प्यार है है ना जैसे महादेव एन माँ पार्वती का प्यार है मतलब यू you नो know, आपको इस तरीके से प्यार को समझना है उस तरीके से नहीं समझना जो कि आपने देखा है आपको अपने प्यार के जो वो है ना जो आपने अपने मन में जो बना लिए प्रिंसिपल जो भी चीज़ें जो भी पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं उनको क्रॉस करके नई कहानी लिखनी पड़ेगी नई से यू नो दोबारा से वो चीज़ें लिखनी पड़ेंगी तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है साथ में क्योंकि हीलिंग फैमिली इशू का भी यहाँ पे कार्ड है ऑफकोर्स मैंने कहा कि फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके रही होगी बचपन से या तो पेरेंट्स में हमेशा जैसे लड़ाई होती रही या कुछ भी इस तरीके की चीजें हैं है ना क्योंकि जनरल रीडिंग है तो उसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है भाई आप लोगों के ऊपर तो अपने पेरेंट्स को भी यहाँ पे माफ करना पड़ेगा भाई आप लोगों को अगर आपको लगता है कुछ भी ऐसी चीजें हैं बेसिकली बहुत सारी चीज़ों से आगे बढ़ना है और इसीलिए Uh, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप किसी कोच को ढूंढ लें मैंने जैसे अफर्मेशन बोली है आप वो ट्राई करें डेफ़िनेटली कोई ना कोई आपको मैंटर कोच ट्रेनर ज़रूर मिलेंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे या फिर से आपको यूट्यूब पर कुछ मिल जाए या फिर आपको कोई किताब मिल जाए जिसके के चलते आप खुद को हील करें तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए चलिए अभी यहाँ से भी देखते हैं ऑप्शन टू और क्या कुछ गाइडेंस है सेवेंथ चक्रा कैरिंग कनेक्शंस, एप्रीसीएशन ठीक है सिक्स चक्रा ठीक है आप डिसीजन नहीं ले पाते हो आप चूज नहीं कर पाते हो अपने लिए कि क्या सही है क्या गलत है क्योंकि यू you नो know, वो इतना ज्यादा आपके साथ पहले हो चुका है कि अभी आप डरते हो डिसीजन लेने से चूज करने से प्यार को चूज करने से चांस देने से किसी को बहुत ज़्यादा डरते हो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नजर आ रही है क्योंकि आप ना दिल लगाने से नहीं दिल टूटने से डरते हो वो चीज़ यहाँ पे है तो प्लीज़ भाई पहले से ही मैं कहूंगी कि अफकोर्स यू नो ऐसा नहीं कि किसी के साथ भी रिलेशनशिप में चले जाओ मैं ऐसे नहीं कहूंगी किसी से भी यू you नो know, सोच समझ कर ही डिसीज़न लेना है लेकिन अपने सिक्स चक्र अपने सेवन चक्रा को यहाँ पे हील करना है यू you नो know, भगवान जी से कनेक्ट करिए जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो ईश्वर को भजते हो उनको मानते हो आपके ईस्ट हैं आप उनसे कनेक्ट करिए अगर आप उनसे कनेक्ट करोगे उनको अपना सब कुछ मानोगे वो आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे हम्म तो भगवान जी से कनेक्ट करना है उनसे अपनी बातें कहनी है अपना कनेक्शन उनके साथ अच्छा करना है आप कुछ मंत्रा चैंटिंग जरूर करिए जैसे हरे राम हरे कृष्णा हो गया महामंत्र हो गया गायत्री मंत्र हो गया या जो भी कुछ है कुछ ना कुछ आप यहाँ पे चैंटिंग जरूर करिए जो भी चीजें आपके आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग रहती हूँ देखो आप कुछ ना कुछ चेंटिंग्स यहाँ पे जरूर करिए भगवान जी के सामने जरूर बैठिए हम्म एंड प्यार आपकी लाइफ में आएगा क्योंकि यहाँ पे कैरिंग कनेक्शन एप्रिसिएशन का कार्ड है लेकिन उससे पहले आप लोगों को खुद को हील करना पड़ेगा ठीक है अदरवाइज से कुछ प्रॉब्लम फिर रह सकती है फिर कुछ प्रॉब्लम्स को आप उसके बाद हील करोगे ये चीज़ मुझे नजर आ रही है तो पहले ही हील कर लो इससे अच्छा ये है कि पहले ही हील कर लो ओके नहीं तो बाद में करनी पड़ेंगी इससे अच्छा ये है कि पहले ही कर लो ओके okay. सो so, अभी यहाँ से देखते हैं हम एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं लास्ट ऑप्शन टू आप लोग ना अपने पास ग्रीन एवेंचरिन एंड रोज क्वार्ट्स ठीक है दोनों ही क्रिस्टल जरूर रखिएगा एंड साथ में एमिथिस्ट भी अगर आप तीनों को ले सकते हो तो क्योंकि यहाँ पे ना माइंड बॉडी स्पिरिट तीनों लेवल पे हीलिंग करनी है अगेन <coughs> मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है आई डोंट नो क्यों हो रहा है बहुत सारी बातें आपने अपने मन में दबाई हैं बहुत सारी चीजों को लेकर आपके मन में नाराजगी है गुस्सा है है ना अपने फैमिली को लेके या कुछ भी मैं यहाँ पे यही फील कर पा रही हूँ आपने कहीं नहीं है लेकिन आपके मन में नाराजगी है बहुत सारी हीलिंग करनी है भाई <laughs> तैयार हो जाओ ऑप्शन टू बहुत सारी हीलिंग करनी है ठीक है चलिए अभी यहाँ से देखते हैं कॉम्प्रोमाइज़ ठीक है सक्सेस देखो यहाँ पे ना आपसे ये कहा जा रहा है कि आप सबको नहीं बदल सकते हो है ना अगर आपने किसी रिश्ते को टूटते हुए करीब से देखा है आपकी किसी फ्रेंड का या कुछ भी ऐसा रहा है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दुनिया में भाई हर तरीके के लोग हैं सब तरीके की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं ज़िंदगी है भाई दुख भी मिलता है खुशियाँ भी मिलती हैं कभी दिल भी टूटता है कभी दिल भी जुड़ता है लेकिन लाइफ गोज़ ऑन लाइफ जिंदगी जो है वो चलती रहती है तो कुछ चीज़ों को यहाँ पे आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा यू you नो know, कभी कभी ना हम हर चीज़ को फिक्स नहीं कर सकते हैं कुछ चीज़ों को हमें जस्ट लेट गो करना पड़ता है तो वही चीज जो है वो यहाँ पे आपसे कही जा रही है कि उन चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश नहीं करो जो बहुत ज़्यादा अभी टूट चुकी हैं जैसे कांच का ग्लास जो टूट चुका है आप उसको फिक्स नहीं कर पाओगे उसको आपको सफाई करनी पड़ेगी तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों से साथ में यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है आप लोगों के लिए तो ये कार्ड यही कह रहा है कि आप हीलिंग करो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी नो का कार्ड है इनकेस अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के मन में चल रहा था रीडिंग देखते वक्त तो उसके लिए यहाँ पे नो है ओके okay. सो so, ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन टू आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो यहाँ पे आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो क्लैरिटी मिली हो अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो इसको लाइक करना नहीं भूलेगा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा एंड साथ में मैं आप सभी लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर लें वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मैं आजकल शेयर कर रही हूँ अपलोड कर रही हूँ स्टोरीज पर चल रहा है सो मेरा अभी पूरा फोकस वहाँ पर भी है तो डेफिनेटली आप सब लोग मुझे वहाँ भी कनेक्ट करेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा सो so, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट सीडिंग में तब तक के लिए बाय